शिवसैनिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है राणा दंपति के घर के बाहर। पंकज उपाध्याय लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। पंकज, राणा दंपति को सुन रहे थे? नवनीत राणा साफ तौर पर कह रही हैं कि वो तो नहीं थमने वाली, नहीं रुकने वाली हैं, वो अपनी बातों पर कायम हैं और वो जाने वाली हैं। कह रही हैं साफ तौर पर कि वो तो हनुमान चालीसा पाठ करके रहेंगी। पंकज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच 5 तस्वीरें आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए शिवसैनिकों का हंगामा किस तरह से ये चल रहा है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, दूसरी विंडो में आप देख रहे हैं कि घर में घुसने की कोशिश की शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने, हजारों की संख्या में चुकी उनकी वहां पर मौजूदगी है। बैरिकेडिंग भी तोड़ा, बैरिकेडिंग तोड़कर किस तरह से आगे बढ़े वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस का नाकाफी इंतजाम रहा सुबह किस तरह से, और महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कुल मिलाकर शिवसैनिकों का ये हंगामा, ये बवाल लगातार जारी है, क्योंकि 9 बजे ऐलान किया था नवनीत राणा ने, कहा था कि वो मातोश्री के बाहर जाकर, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, उनकी आवाज के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली हैं। लेकिन 9 बजे उससे पहले ही शिवसैनिक कार्यकर्ता वहां पर उनके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जमकर नारेबाजी हो रही है, जमकर बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर से हम रुक करते हैं पंकज का। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, लगातार हम देख पा रहे हैं ये हंगामा बढ़ता जा रहा है, बवाल जारी है, कोई भी पक्ष झुकने को राजी नहीं है। शिवसैनिक कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने देंगे, वहीं नवनीत राणा कह रही हैं कि वो अपनी बातों पर अब भी कायम है, वो नीचे उतरेंगी और मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। तो ये रार तकरार कैसे रुकेगी? अभी इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जवाब ना तो शिवसैनिक दे पा रहे हैं ना शिवसेना के नेता दे पा रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि शिवसैनिकों के साथ साथ अभी शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनायक राउत भी यहां पर थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। एक बार फिर से दिखा देना चाहते हैं जो आउटर पेरिफेरी है, जो मेन रोड है, वहां पर क्या हो रहा है। बैरिकेडिंग तो मैंने आपको बताया कि वहां पर चली हुई है, लेकिन वहां भी शिवसैनिकों का जो जमावड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब जो बड़े नेतागण है शिवसेना का वो भी यहां पर खार का रुख कर रहे हैं। विनायक राउत यहां पर कुछ देर पहले आए थे, आज तक से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है। उनका यह कहना है जो नवनीत नारायण ने आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर वो बेबुनियाद है। मुंबई पुलिस के लिए उनका कहना है कि वो सरकार के बिल्कुल भी दबाव में नहीं है, और यहां पर मुख्यमंत्री ने ना ही आदित्य ठाकरे ने शिवसैनिकों को किसी भी तरीके का ना तो आदेश दिया है ना निर्देश दिया है। अगर शिवसैनिक मातोश्री के सामने हजारों की संख्या में जमा हो रहे हैं, अगर खार में यहां पर हजारों की संख्या में जमा हो रहे हैं, वो सिर्फ अपनी भावनाओं को लेकर यहां पर जमा हो रहे हैं, क्योंकि तमाम शिवसैनिकों की इस वक्त जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देना चाहते हैं कि जिस जगह पर राणा दंपत्ति रहती हैं, जहां पर उनका निवास स्थान है मुंबई के सबर्बन इलाके खार में, वहां पर क्या हो रहा है। यहां भी घर के ठीक नीचे भारी संख्या में जो शिवसैनिक हैं वो मौजूद हैं, और बीच बीच में रह रहकर शिवसैनिक उग्र हो जाते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। बड़े मुंबई पुलिस के बड़े आईपीएस अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। बातचीत आखिर क्या हो रही है ये मुंबई पुलिस इस वक्त नहीं बता रही है। हमने काफी कोशिश करी जानने की कि आखिर व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या प्लान कैंसिल कर दिया गया है, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला गया है, क्या बातचीत होगी इसके आगे, तो मुंबई पुलिस इस वक्त कुछ बता नहीं रही है। लेकिन स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है। विनायक राउत ने यह भी कहा है कि जो चैलेंज दिया गया है वो यहां पर आने का वो ठीक बात नहीं थी। शिवसैनिकों ने जो कहा है वो मैंने आपको और दर्शकों को पहले ही बताया। सबसे पहले ये कहा था कि किसी भी कीमत पर उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। फिर ये कहा कि कंडीशन बढ़ा दी गई है कि जब तक नवनीत राणा आश्वासन नहीं दे देती कि वो अमरावती वापस चली जाएंगी, तब तक वो ग्राउंड जीरो नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर क्या हुआ है, कुछ शिवसैनिक मैं देख रहा हूं इस वक्त वापस जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने भी कई शिवसैनिकों से आग्रह किया है कि वो यहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो रही है, वो यहां पर जमा ना हो। कई लोग यहां पर शिवसैनिक जा रहे हैं क्योंकि शिवसेना के बड़े जो वरिष्ठ नेता है वो भी अब खार का रुख कर रहे हैं। तो एक्टिविटी यहां पर इस वक्त भी पिछले 2 घंटों से चल रही है। देखिए 9 बजे का समय दिया था जब नवनीत राणा ने कहा था कि वो अपने घर के बाहर से निकलेंगे, और ये भी दर्शकों को बताएं कि अब तो उन्हें वाइस सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है, और ये भी एक बात है जो शिवसैनिकों को काफी अखर रही है। कई शिवसैनिकों का कहना है कि अब क्योंकि उन्हें वाइस सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है, इसका भी नवनीत राणा काफी दम भर रही है, और इसी वजह से अब वो कह रही है, और इसी वजह से शायद उन्होंने चैलेंज दिया है कि किसी भी कीमत पे वो वहां पर मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ना नवनीत राणा ना रवि राणा झुकने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ
ना ही शिवसेना झुकने के लिए तैयार है और ना ही शिवसेना के नेतागण की तरफ से। पर कोई स्टेटमेंट आया क्या सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से या फिर उनके किसी भी मंत्री की तरफ से? क्योंकि नवनीत राणा का कहना है कि ये सरकार महाराष्ट्र में गुंडागर्दी कर रही है और उनको रोकने की कोशिश है, ये हनुमान चालीसा के खिलाफ है, हिंदुओं के धर्म के भावनाओं के खिलाफ है। साफ आरोपों की वो झड़ी लगा रही है, बारिश कर दिया आरोपों की उन्होंने। कहती है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सरकार अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है, तो इसको लेकर कोई स्टेटमेंट? जी इसीलिए, क्योंकि जो यहां पर जी फिलहाल जो स्टेटमेंट है वो शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनायक राउत की तरफ से ही है। मैंने उनसे पूछा था क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से या फिर शिवसेना के बड़े अधिकारी की तरफ से कोई आदेश आया है, अगर आदेश नहीं आया है तो क्या कोई निर्देश है कि आखिर शिवसैनिकों को आगे करना क्या है, क्योंकि स्थिति आखिर कैसे संभलेगी? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। कुछ समय पहले शिवसैनिकों ने गेट तोड़कर अंदर जाने की भी कोशिश करी थी, तो उनका साफ कहना था, विनायक राउत का जो शिवसेना के वरिष्ठ अधिकारी है उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी आदेश निर्देश नहीं आया है, आदित्य ठाकरे की तरफ से कोई भी आदेश निर्देश नहीं आया है। और जहां तक महाविकास अघाड़ी सरकार का सवाल है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह रातों रात लिया फैसला नहीं है, नवनीत राधा ने बहुत पहले यह कह दिया था कि वह हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है मातुश्री के सामने, और तभी गृह मंत्रालय ने यह कह दिया था कि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में ले। और कल तो एक नोटिस भी दे दिया था, मुंबई पुलिस ने एक नोटिस भी दे दिया था राणा दंपति को और कहा था कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे, लेकिन राणा दंपति ने पलट कर कहा कि वो तो जाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है तो उसके लिए राज्य सरकार और मुंबई पुलिस जिम्मेदार होगी। तो एक स्टेलमेट यहां पर बन गया कि वो नीचे उतरेंगी और अपनी बातों पर कायम है और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ वो करेंगे, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर वो कब उतरेंगे और कब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया जाएगा, कुछ अपडेट इस पर? जी बिल्कुल ठीक है, आपने 9 बजे का समय दिया गया था, ये तो सार्वजनिक कर दिया गया था कि उन्होंने बोला था कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करती है। एक तो अब ये देखिए ना, जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है कि कम वट में हम वहां पर जाएंगे, हम चैलेंज देते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से आखिर किसको मुसीबत हो सकती है, आखिर इसके ऊपर क्या विवाद हो सकता है, हमने तो पहले से इजाजत देने की कोशिश करी थी, मुख्यमंत्री ने हनुमान चालीसा पढ़ने से इनकार कर दिया था, इसीलिए हमने फैसला किया हम वहां पर जाएंगे। तो ये जो शब्दावली है इससे शिवसैनिक काफी गुस्साए हुए, काफी उग्र हैं, एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो गई, क्योंकि कह रहा हूं ना बार बार जो शिवसैनिकों का गुस्सा है वो फूट पड़ता है। कई शिवसैनिक जानना चाह रहे हैं कि आखिर 9 बजे का टाइम दिया था आपने, चैलेंज दिया था, तो 9 के तो अब 10:30 हो गए, आखिर आप कहां हैं? कई लोग बिल्कुल पंकज हम देख पा रहे हैं किस तरह से महिला कार्यकर्ताओं की भी वहां पर मौजूदगी है और वो नारेबाजी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये मामला कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर थमेगा, क्योंकि कोई भी पक्ष झुकने को राजी नहीं है। शिवसैनिकों का हंगामा लगातार जारी है और वहीं नवनीत राणा कह रही हैं कि वो अपने बात पर कायम है, वो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर ये सियासी बवाल मचा हुआ है, कोई भी पक्ष झुकने को राजी नहीं है। शिवसैनिक कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो उनका जमावड़ा है राणा दंपति के घर के बाहर, वहीं राणा दंपति भी कह रहे हैं कि वो रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, वो जाएंगे मातोश्री के बाहर और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सीधा रुख करते हैं इस वक्त रवि राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुद फोन लाइन पर। रवि जी, ये रार और तकरार कहां जाकर थमेगी? ना आप रुकने को राजी हैं, ना ही शिवसैनिक झुकने को तैयार हैं, तो फिर ये बात बनेगी कैसे, शांति कैसे हो? इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे अगर हनुमान चालीसा पढ़ते, जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हमारे दिल में, हृदय में, हमारे मातोश्री सभी का एक श्रद्धा स्थान है, वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमको रोक रहे हैं और हनुमान चालीसा का, बजरंगबली का, श्री राम भगवंता का अगर नाम लेने के लिए उद्धव ठाकरे जी अगर दबाव तक तैयार करते हैं, यहाँ कुछ शिवसैनिक गुंडे हमारे घर पे हमला करते हैं, पथराव करते हैं, हमें मारने की धमकियां देते हैं, तो मुझे लगता है बाला साहब के विचारों को भूल गए और पूरी तरह महाविकास आघाड़ी के दबाव में काम कर रहे हैं और उनको डर है अगर हनुमान चालीसा का अगर पाठ मातोश्री में अगर रखा तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी विरोध करेंगी और सरकार गिरेंगी और सरकार बचाने के लिए हनुमान चालीसा, श्री राम भगवंता का, बजरंग बली का नाम नहीं लेना चाहिए, उसको रोकने के लिए उद्धव ठाकरे जी हमारे पे दबाव ला रहे हैं, हमको घर में बंद किया है, पुलिस का दबाव लाके हमको घर के अंदर दबा के रखा है, बंद करके रखा है और मुझे लगता है ऐसी कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ने का काम, इस तरह से शिवसैनिक का हमला करने का निर्देश अगर राज्य के मुख्यमंत्री देते हैं
तो उस राज्य की क्या परिस्थिति है। रघुनाथ जी, आपका क्या कहना है? सीधे तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है मुख्यमंत्री के आदेश पर हो रहा है, महाराष्ट्र की सरकार के आदेश पर हो रहा है? पूरी तरह से मुख्यमंत्री के आदेश पे हो रहा है। मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए मैं देश के पंतप्रधान जी को विनंती करूंगा, महाराष्ट्र संकट में, महाराष्ट्र किसान संकट में, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पूरे महाराष्ट्र में लोड शेडिंग शुरू है, मुख्यमंत्री मंत्रालय में दो दो साल जाते नहीं है, कोई जिले में दो ढाई साल से आए नहीं है, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री है या नहीं है महाराष्ट्र में, इस ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में देश के पंतप्रधान जी ने ध्यान देना चाहिए, राष्ट्रपति जी ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार थी कभी ऐसा कायदा सुव्यवस्था बिगड़ा नहीं, कभी दंगे हुए नहीं, कभी किसानों ने उनके खिलाफ नारे दिए नहीं, हर आंदोलन का उन्होंने सामना किया, अच्छी तरह से उसको सुलझाया और जनता को न्याय देने का देवेंद्र तो फडणवीस। रवि राणा, आपको क्या ये लगता है कि सब कुछ जानबूझकर कराया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने ऐलान किया था कि आप मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहां पर हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, लेकिन 9 बजे से पहले ही शिवसैनिक वहां पर पहुंच जाते हैं हजारों की संख्या में, तो आपको लगता है कि जानबूझकर भेजा गया था कि ताकि हनुमान चालीसा पाठ ना हो सके? भेजा गया हुआ है और हनुमान चालीसा हम मातोश्री के अंदर पढ़ना चाहते हैं, हनुमान चालीसा अगर मातोश्री पे नहीं पढ़ने देते तो बाहर पढ़ेंगे। जो संकट और जिस तरह से 7.5 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लगी है, जिस तरह से यहाँ पे ग्रहण लगा है और शनिवार दिन है आज भगवान बजरंगबली जी का दिन है, आज अगर हम मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ग्रहण खत्म होते थे। हनुमान चालीसा एक ताकत है, हमारी तो शक्ति है। आज बाला साहब जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज बाला साहब रहते थे तो हमें खुशी खुशी वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 10 बार नहीं 100 बार बुलाते थे। रवि राणा जी, जो भी हंगामा हो रहा है, जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या अब भी राणा दंपत्ति नीचे जाएंगे, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, के अंदर जाएंगे, मातोश्री के अंदर पूरी नम्रता से, पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ना है हमको? और हमें लगता है मुख्यमंत्री का दिमाग ठिकाने पे नहीं है, अगर उनको थोड़ी सी भगवान के प्रति आस्था है, भगवान श्री रामचंद्र के प्रति आस्था है, हनुमान जी के प्रति आस्था है, और बाला साहब के विचार अगर थोड़े भी उनके अंदर शरीर में है तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ना। रवि जी, आप लोगों ने 9 बजे कहा था कि आप जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अब लगभग 10:30 से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब आपकी क्या तैयारी है, कब जाएंगे आप? बोली हम निकले थे दरवाजे पे, पुलिस ने हमको रोका, लॉक किया और अंदर बंद किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आदेश से अगर एक एमएलए एमपी को अगर लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है, तो महाराष्ट्र की आम जनता क्या करेंगी, ये महाराष्ट्र की जनता उनसे सवाल कर रही है। थोड़ी देर पहले आप लोगों का हम वीडियो संदेश सुन रहे थे, आप और आपकी पत्नी अमरावती से सांसद नवनीत राणा को सुन रहे थे। साफ तौर पर आप लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है, सब कुछ ये उद्धव ठाकरे के इशारे पर हो रहा है और पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको लगता है कि हनुमान चालीसा के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है या फिर राणा दंपत्ति के खिलाफ? जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा उसको दबाया जाएगा। मुख्यमंत्री घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है 3 साल से, मंत्रालय जाने को तैयार नहीं है, किसी आम जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है या नहीं है ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। और आज ये जो भी हो रहा है मुख्यमंत्री के आदेश से हो रहा है और मुख्यमंत्री शिवसैनिकों के कुछ गुंडों को भेज के हम पे हमला करना चाहते हैं और इस पूरे हमले की जवाबदारी मुख्यमंत्री की है। हमारी जान को अगर कुछ हुआ तो उसकी भी जवाबदारी राज्य के मुख्यमंत्री की रहेगी। बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, बैरिकेडिंग तोड़कर हजारों की संख्या में शिवसैनिक पहुंचे आपके घर के नीचे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर आ रहे हैं, पुलिस उनको सहयोग कर रही है, पुलिस कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दबाव में है और यहाँ पे आम आदमी जो है वो संकट में है, कायदा संविधान की हत्या की जा रही है। इसीलिए मैं राष्ट्रपति जी और पंतप्रधान जी को विनंती करूंगा कि महाराष्ट्र पे ध्यान दो और महाराष्ट्र की जनता को सुरक्षित करो। आपको क्या लगता है ये हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्यों रोक रही है आपको सरकार, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं चाहते? जहाँ जिस सरकार की, जो सरकार गठबंधन में बैठी है, जिन्होंने बाला साहब ने पूरे अपने जीवन में कांग्रेस को गालियां दी, सोनिया गांधी जी का विरोध किया, उसी कांग्रेस के साथ भाजपा के पीठ पे खंजीर खुपस के उद्धव जी ने भाजपा को छोड़ा, उसको दगा दिया, धोखा दिया और कांग्रेस के साथ बैठ के सरकार बनाई। अगर कांग्रेस की नीति है कि हनुमान और राम के प्रति उनकी आस्था आपको मालूम है क्या है, और उसी दिशा में उद्धव ठाकरे चल रहे, बाला साहब के विचार पूरी तरह से भूल गए। अगर उन्होंने हनुमान चालीसा वहां पढ़ने दी, कहीं ना कहीं सरकार गिरेगी, कहीं ना कहीं कांग्रेसी विचारों के लोग नाराज होंगे, ये उनकी नीति है। और मुझे लगता है बाला साहब के विचारों को पूरा धोखा उद्धव ठाकरे जी ने दिया है, बाला साहब के जो दिशा थी उसको भूल गए और सत्ता के लोभ में कांग्रेस के
नीचे लोटांगन डाल रहे हैं, सरेंडर हुए, ऐसा उद्धव ठाकरे। लेकिन शिवसैनिक कह रहे हैं कि उनको हनुमान चालीसा से कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, राणा दंपत्ति अपने घर जाएं और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे हमने उनको विनंती की थी, आप वहाँ पे मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ो। महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है, किसान परेशान है, यहाँ का बेरोजगार परेशान है, मुख्यमंत्री घर से बाहर दो दो साल निकलते नहीं है। अगर ये संकट से मुक्त होना है तो हनुमान चालीसा हमारे हिंदुओं में पढ़ा जाता है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का मातोश्री, यहाँ पे उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, जिससे महाराष्ट्र में एक दिशा मिलेंगी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ताकत मिलेंगी लोगों के काम करने के लिए। ये हमारे रिक्वेस्ट की थी, पर उन्होंने हनुमान जयंती की दिन ही विरोध किया और वहां पे हमारे खिलाफ नारेबाजी की। इससे साफ जाहिर है कि हनुमान चालीसा का मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं। आपके सांसद पत्नी को हम सुन रहे थे, नवनीत राणा को, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे थे और राष्ट्रपति से भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो देखिए, कहते हैं रवि राणा, हम मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे। शिवसैनिकों का बवाल, मुंबई पुलिस लाचार नजर आ रही है और किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए शिवसैनिक नजर आए, ये भी आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में राणा दंपत्ति के खार स्थित घर के बाहर जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और कहा जाता है साफ तौर पर कि अमरावती वापस चले जाएं राणा दंपत्ति, नवनीत राणा वापस जाओ, रवि राणा वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं रवि राणा अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे आज तक से बातचीत करते हुए, उन्होंने कहा कि ये सरकार गुंडागर्दी पर उतारी है, पावर का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग किया जा रहा है और सब कुछ ये मुख्यमंत्री के इशारे पर किया जा रहा है, ये आरोप लगाए, आरोपों की बारिश कर दी है रवि राणा ने, नवनीत राणा ने। और ये तस्वीरें लगातार आप सभी दर्शकों तक आज तक साझा कर रहा है, महाराष्ट्र की हालत खराब है ये रवि राणा कहते हैं।